हेलो नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। तो भाई आज का ब्लॉग जो है दो तीन दिन बाद शूट कर रहा हूँ मैं, कुछ था ही नहीं कंटेंट और मेरी बाइक भी जो मेरे भाई लेके जा रहे थे इसकी वजह से मैं मोटो ब्लॉगिंग भी नहीं कर पा रहा था। पर आज का सीन ये है कि आज मेरे भाई की छुट्टी है और हमने आपको जैसे बताया था ब्रेज़ा लिए, तो मतलब हमारे लिए तो काफ़ी बड़ी सी गाड़ी है वो, चाहे सेकेंड हैंड हो पर हमारे लिए तो बहुत बड़ी वैल्यू रखती है वो। तो भाई पीछे से हॉर्न की आवाज़ आ रही है, उसे इग्नोर करो, आप मेरी बात पर फोकस करो। तो आज का सीन ये है कि आज हम जा रहे हैं हमारे घर से इधर थोड़ा करीब एक दरगाह पड़ती है कलियर जा रहे हैं हम, आज जाएंगे और गाड़ी की थोड़ी नियाज व्यास करेंगे, आज का सीन आपको दिखाएंगे, आज भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो चलो आ जाओ और आपको दिखाते हैं आज का दिन, आज क्या क्या करते हैं, काफ़ी मज़ा आने वाला है। वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो फिर मिलते हैं थोड़ी देर में आपसे। और हाँ, आपको ये तो बताना भूल ही गया कि मैं पूरा रेडी हो चुका हूँ, आप जैसे कि देख सकते हैं नहा धो के शावर ओवर लेके, और आज काफ़ी तेज़ की धूप निकल रही है काफ़ी दिन बाद ऋषिकेश में। और हाँ भाई, दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताना चाहता था कि मैं अभी नीचे जाऊँगा और अपनी स्लीपर्स ही पहन के जाऊँगा, क्योंकि भाई कलियर शरीफ जाओ तो आपको वहाँ पर कई जगह ऐसी भी होती हैं कि चप्पल उतार के जाना होता है, या फिर तो कुल मिलाकर आप मोटी मोटी बात ये समझ लो कि जूते पहन के जाने से वहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं है। प्लस अपनी गाड़ी में जाएंगे हम तो मतलब ही नहीं बनता बिल्कुल, इसी वजह से मैं अपने स्लीपर्स में ही जाऊंगा और स्लीपर्स पहन के कंफर्टेबल आराम से घूमता फिरूंगा पूरे कलियर। आज का पूरा दिन हमारा वही होने वाला है, काफ़ी मज़ा आने वाला है आज के ब्लॉग में। तो अब मैं आपको डायरेक्ट मिलूंगा गाड़ी में थोड़ा बहुत क्लिप्स दिखाते हुए। सब्जी वाला भी आ गया भाई पीछे से, सारे लोग अभी आ जाएंगे जब मैं शूट करता हूँ। तो चलो फिर अभी थोड़ी देर में आपको दिखाते हैं रास्ते के थोड़े बहुत क्लिप्स। तो भाई रास्ते की क्लिप तो मैं शूट नहीं कर पाया क्योंकि मैं जस्ट बिल्कुल भाई की बगल में बैठा था, मतलब आगे बैठा था और भाई गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, और मैंने आपको बताया था कि मैं भाई के सामने मतलब कैमरे से इतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हूँ। तो बस डायरेक्ट हम कलियर शरीफ पहुँच चुके थे और यहाँ से कुछ सामान वामान लेके हमने थोड़ा बहुत रिफ़्रेशमेंट करी और थोड़ा बहुत खाना पीना खाया, फिर हम डायरेक्ट गए कलियर शरीफ के मज़ार पर। और यहाँ देखो आने के बाद कितनी ज़्यादा भीड़ निकली, क्यों निकली भाई, क्योंकि उस दिन था वीरवार और आप सबको ही पता है कि थर्सडे के दिन मज़ारों पर कितनी ज़्यादा भीड़ होती है, तो दैट्स वाई वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी। और प्लस अभी कुछ दिन बाद दरगाह पर उरस भी आने वाला था करियर शरीफ की, तो इस वजह से और भी ज़्यादा भीड़ थी। और ये देख सकते हो आप, ये लाइन थी हमारी इधर से एंट्री थी, और इससे आगे जाकर मतलब उन्होंने मना कर दिया था, जो ये पंखा हिला रहे हैं इन्होंने मना कर दिया था कि शूटिंग अलाउड नहीं है। फिर हमने मज़ार करा आराम से, फिर ये दूसरे गेट से बाहर निकलने का रास्ता था, तो यहाँ पे मैंने खड़े होकर थोड़ा सा शूट करा और दुआ भी मांगी, क्योंकि भाई अंदर वो रुकने नहीं दे रहे थे, काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, तो वो कह रहे थे कि चलते रहो भाई, दूसरों को भी मज़ार करने का मौका मिलना चाहिए। तो इस वजह से डायरेक्ट हम इधर से घुसे और उधर निकल गए, और फिर मैं बाहर निकला, मैंने थोड़ा अपने बहुत मतलब क्लिप्स बनाए और दिखाया आपको कि भीड़ का क्या हाल था वहाँ पर, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और चलते चलते मतलब यहाँ पर भी मैंने शूट करा, कुछ ऐसा मामला नहीं था कि मैं रुककर थोड़ा बहुत शूट कर सकूं मज़ार को अच्छे से। तो बस चलते चलते शूट करा, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। और भाई इस जगह मम्मी और बहन रुकी थी क्योंकि भाई मज़ार के अंदर औरतों का जाना अलाउड नहीं था। और भाई ये देखो पेड़ पे कितने ज़्यादा मतलब ये कागज़ से लगे हैं, पता नहीं ये क्या है कि लोगों की दुआएँ लिख के डाली उन्होंने पेड़ के ऊपर। फिर हम वहाँ से बाहर निकलने लग गए थे, और ये था मेन डोर जहाँ से हम अंदर आए थे, और मैंने आपको यहाँ की एग्जिट भी दिखाई, तो यहाँ पर भी देख लो कितना ज़्यादा भीड़ ही भीड़ है। और इससे बाहर निकलने के बाद मतलब लेफ़्ट और राइट दोनों जगह ऐसी जगह ही थी जहाँ पर आप पैसे देकर अपने चप्पलों को मतलब रखवा सकते हो, और चप्पल उप्पल खोने का कोई ख़तरा नहीं है। जैसे कि मैंने आपको ऋषिकेश में भी बताया था, चप्पल ही पहन के आना चाहिए, यहाँ पर शूज़ लाने का कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ जी, तो भाई अपना मज़ार कर चुके थे हम, और अब बारी थी थोड़े बहुत दुकानों को एक्सप्लोर करने की जो दरगाह के आसपास बनी थी। और भाई ये चीज़ देखो, पता नहीं ये क्या था, मैंने इसकी क्लिप बना के रख ली, अगर आपको पता हो तो बताना भाई, दिखने में तो बिल्कुल अलग ही चीज़ लग रही थी। और यहाँ पे मतलब काफ़ी ज़्यादा दुकानें थी जहाँ पे स्टोन मिल रहे थे, रिंग्स मिल रही थी, और कई तरह के मतलब ताबीज़ वाबीज़ बहुत कुछ मिल रहा था। और ये वो गेट था जहाँ पर आप एंटर करके ये समझ सकते हो कि आप मज़ार के अंदर एंटर कर चुके हो, और आप इस गेट के बाहर निकलने के बाद टोटल मार्केट में पहुँच जाओगे, आप जो चाहो वहाँ से ख़रीद सकते हो, यहाँ पर सब कुछ अवेलेबल था A to Z सारा सामान। और इस दुकान पर आने के बाद मुझे ये मिठाई मिली जो कि यहाँ की स्पेशल मिठाई है, इसको हलवा बोल रही थी, ये पता नहीं किस एंगल से हलवा था, पर इसको न्यास के लिए चढ़ाते हैं दरगाह पे। और वहाँ से आगे जाने के बाद मतलब ये थोड़ी शॉप्स थी, यहाँ पे मम्मी मम्मी थोड़ी शॉपिंग कर रही थी। तो गाइस अभी भाई साहब कार्ड लेने के लिए गए थे और चाबी मेरे पास रह गई, चाबी मेरी जेब में, तो अब मैं जा रहा हूँ उनको लेने के लिए और चाबी देते हैं उनसे, गाड़ी लेते हैं, गाड़ी उठाते हैं वहाँ से, और फिर फैमिली को अपने इधर से उठाते हैं दरगाह से। हाँ जी, तो भाई वी आर फाइनली रीच्ड एट होम, और मैंने आने के बाद कपड़े वपड़े चेंज भी कर लिए हैं, और ये देख सकते हो आप अपने लुक में आ चुका हूँ मैं, कंफर्टेबल हो चुका हूँ एकदम लोअर टी शर्ट पहनने के बाद। और बालों को थोड़ा आप इग्नोर करो, वैसे तो आप देख भी लोगे भाई टोपी लगाने के बाद एकदम मतलब बैठ चुके हैं, चपत हो चुके हैं, बेकार हो गए बाल।
अब तो ये नहाने के बाद जब ड्रायर लगाऊंगा तभी सही होंगे। तो बस आज के व्लॉग में यही सब कुछ था, और यही था हमारा आज का दिन जो हमने कलेरशिप में बिताया और आपको भी दिखाया। तो बस आज के व्लॉग में यही था। और हाँ, मुझे पता है डेफिनेटली एंड शेमलेसली भाई ये वाला व्लॉग जो है बहुत ज़्यादा छोटा बना होगा, क्योंकि भाई हमारा 2-3 घंटे का ही मतलब वहाँ पे स्टे था कलेर शरीफ में। हम गए और आए और मतलब काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आया, तो मैंने कुछ पार्ट्स तो मतलब शूट भी नहीं करे, क्योंकि मज़ार करने गए थे तो मैंने खुद पहले सुकून से मज़ार करा, फिर आपको भी थोड़ी सी ज़ियारत कराई, साथ में मैंने थोड़ा इन्जॉय भी करा। तो जो भी ब्लॉग बना बस यही छोटा सा बना। अब उम्मीद करता हूँ आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद नहीं आया तो यार प्लीज़ यार थोड़ी सी कोशिश करो पसंद करने की, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। मैं मिलता हूँ आपको एक और नए ब्लॉग में कल या परसों, तब तक के लिए बाय।